हाय एवरीवन, कोरियोग्राफर गणेश वर्कर ऑन दिस साइड और आप देख रहे हैं मेरा जीएच टीवी यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड की कुछ खबरें हैं, उनमें से मैं आपको जरूर बताऊंगा और उनमें से क्या सीख लेनी चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए ये भी जरूर बताऊंगा। प्रियंका चोपड़ा और नीक आपको जरूर पता है, उन्होंने दोनों ने पोस्ट किया है। प्रियंका चोपड़ा का इंस्टाग्राम पोस्ट भी मैंने देखा है, उसमें क्या है कि वो एक वेलकम कर रहे दोनों एक बेबी को जो सरोगेसी के थ्रू आया है और वो चाहते हैं कि हम इसमें लोग हमें हमारी प्राइवेसी को कंटिन्यू रखने दें, प्राइवेसी को हमारे डिस्टर्ब ना करें क्योंकि हम हमें फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं और फैमिली की प्लानिंग कर रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स ओके, सरोगेसी तो वैसे भी लीगल है और कर रहे हैं तो नो इशू दैट फॉर, क्योंकि ऐसे सरोगेसी वाकई और इंडस्ट्री में करण जौहर और तुषार कपूर इन लोगों ने भी किया है। तो लेट्स सेकेंडली, एक बहुत अजीब सी खबर है, मैं आपको शाहिद कपूर और बताता हूँ। शाहिद कपूर ने एक एफआईआर कंप्लेंट किया, पुलिस कंप्लेंट किया अगेंस्ट द वन गर्ल, एक लड़की के खिलाफ कि वो उनको हरासमेंट और हरासिंग कर रही है और स्टॉकिंग कर रही है, हरासिंग कर रही है, बार बार बात करने की कोशिश कर रही है, ये सब चीजें, क्योंकि कबीर सिंह उसने देख ली और ये सब चीजें। अब वो लड़की कौन है? वो लड़की है एक बड़े एक्टर की बेटी। तो पहले मुझे लगा कि कोई छोटा एक्टर होगा उनके साथ जो काम करता है उसकी बेटी होगी, तो फिर ठीक है, अगर बहुत छोटी होगी तो ऑफकोर्स उनको मेरे हिसाब से समझाना चाहिए। लेकिन मेरे को बाद में जब पता लगा कि वो राजकुमार की बेटी है, राजकुमार मीन्स तो ओल्ड वाइज जानी जानी जो कर्नल थे आर्मी में, और उन्होंने ही कहा था कि मेरी चिता को आग देने और मेरी मैयत में एक भी मुझे फिल्म वाला नहीं चाहिए, ये राजकुमार के वर्ड थे जो पेपर में भी आया था। शाहिद कपूर ने राजकुमार की बेटी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की क्योंकि उन्होंने स्टॉकिंग और हरासिंग कर रही है। मेरे हिसाब से ये शाहिद कपूर वही है जिन्होंने पाठशाला फिल्म बनाई थी और वो एक टीचर थे और एक लड़की ऐसे ही उनके ऊपर लाइन मार रही थी, तो उन्होंने हर तरीके से समझाने की कोशिश की प्रिंसिपल को और ये सब चीज़ें। तो जो फिल्म में बताया जाता है वो शायद रियल लाइफ में भी किया जाता है, हालांकि पूरी सिचुएशन वाकई में क्या हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन जो न्यूज़ में आया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो पुलिस कंप्लेंट जो फाइल की है, मेरे हिसाब से राजकुमार के बेटे भी बड़े हैं, वो उनके उनके उम्र से ही आसपास है, तो शायद उसको समझाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, 50 चीज़ें हो सकती थी इंस्टेड ऑफ पुलिस फायर कंप्लेंट। लेकिन अगर ज़्यादा ही कुछ हो गया होगा तो फिर वही जान सकते हैं सच क्या है। सेकेंडली, हाँ, जो सुशांत सिंह राजपूत से बारे में, इसके आगे का भी वीडियो एक जरूर बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सुशांत से रिलेटेड। देन सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड रिया चक्रवर्ती ने एक पोस्ट किया, मिस यू एंड ऑफ कोर्स मिस यू, और एक जिम का, दोनों का जिम का एक वीडियो भी पोस्ट किया। सो उसके बारे में कुछ लोग उनको बोल रहे हैं और हर हर बार की तरफ वो इग्नोर करते आ रही है। तो यही है मेरे हिसाब से, पोस्ट करना या नहीं करना मैं बहुत लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत कुछ बॉलीवुड स्टार ने पोस्ट किया है सुशांत के लिए और कुछ लोगों ने आज इस बार भी इग्नोर किया है, कुछ मीडिया ने पोस्ट किया है, कुछ मीडिया ने नहीं किया है। सो यही सारी खबरें हैं। मेरे हिसाब से आपको इस बारे में जो भी लगता है मुझे थैंक यू सुशांत @gmail.com पे ज़रूर कहिए, और सुशांत से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी अगर आपको मुझसे बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ मेल पे कर सकते हैं हम लोग, थैंक यू सुशांत @gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।